आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीए फाउंडेशन क्या होता है, एमबीए फाउंडेशन को आप वेव ऑफ कैसे करवा सकते हैं और एमबीए फाउंडेशन को वेव ऑफ करवाने का क्या प्रोसेस होता है और इस पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज मयंक यादव एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन वेव ऑफ योर एमबीए फाउंडेशन कोर्स विच हैज बीन गिवन टू यू बाय यूसीडब्ल्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद योर एमबीए डिग्री। सबसे पहले तो बात आती है कि मैं एमबीए फाउंडेशन करूं क्यों और एमबीए फाउंडेशन है क्या। मैंने तो एमबीए के लिए अप्लाई किया था तो ये एमबीए फाउंडेशन मुझे क्यों दे दिया गया। ये साले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। मत देखो यार, हमारी मर्जी भाई, हम क्यों करें एमबीए फाउंडेशन। तो अगर आप एमबीए फाउंडेशन वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे एमबीए फाउंडेशन को वेव ऑफ करवा सकते हैं। एमबीए फाउंडेशन एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको एमबीए के पहले करना होता है। ये 3 महीने का कोर्स होता है जो कि यूसीडब्ल्यू आपको जबरदस्ती चिपका देता है। आपका मन नहीं है तो भी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको एमबीए के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाता है। और ये कोर्स करना ना करना ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमको ये एमबीए फाउंडेशन का कोर्स दे दिया जाता है, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको रिवोक कर सकें। ये डिस्क्रिशनरी है, अगर यूसीडब्ल्यू ने आपको दिया हुआ है तो फिर आपको करना ही होगा, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रिवोक करवा सकते हैं। हम कैसे इसको रिवोक करवा सकते हैं ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर तो आपके ऑफर लेटर में मेंशन है कि आपको एमबीए फाउंडेशन करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप एमबीए फाउंडेशन कोर्स कर लो, दूसरा ये कि आप जो आपका एमबीए फाउंडेशन आया है ऑफर लेटर के साथ उसके अगेंस्ट आप एक अपील फाइल कीजिए। मोस्टली लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि एमबीए फाउंडेशन अगर उनको असाइन किया भी गया तो उसको रिमूव भी करवा सकता है। और दूसरी बात, अगर आप उसको रिमूव करवाना चाहते हैं उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ईजी है, ये भी लोगों को नहीं पता होता है। तीसरी बात, अगर आप इसको रिमूव करवा लेते हैं तो आप अपने 4 से 5 लाख रुपए बचा सकते हैं और आपका जो टाइम होता है 3 से 4 महीने का वो भी आप सेव कर सकते हैं। टाइम और पैसों के अलावा इसमें एक और रिस्क है। अगर आप एमबीए फाउंडेशन में ओवरऑल 72% नहीं लेके आते हैं तो आप एमबीए के लिए अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। आप एमबीए के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे तो फिर आपको या तो विड्रॉ करना होगा या फिर एमबीए फाउंडेशन फिर से करना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका प्रोफाइल कैसा भी है, स्ट्रांग है, वीक है, मीडियोकर है, जैसा भी है, आप अपील कीजिए ही कीजिए। अब वो डिसीजन जो भी आएगा, लेकिन आप अपील अपनी तरफ से प्लीज कीजिए ही कीजिए। एमबीए फाउंडेशन को वेव ऑफ करने के लिए 4 तरीके होते हैं, चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर एंड में आप देख लीजिए कि आपके ऊपर कौन सा तरीका अप्लाई होता है और आप कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है जीमैट स्कोर का। अगर आपके पास विद इन 5 ईयर्स का जीमैट स्कोर है तो आप जो एमबीए फाउंडेशन है उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। आप यूसीडब्ल्यू की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें जीमैट स्कोर का मेंशन है। अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ जीमैट स्कोर है, क्योंकि यूसीडब्ल्यू की वेबसाइट पे बिल्कुल मेंशन नहीं है कि आपका स्कोर क्या होना चाहिए, और अगर आप ये देखेंगे कि अगर आपका डिसेंट अमाउंट ऑफ जीमैट स्कोर है तो आप उसको साइड करके अपना एमबीए फाउंडेशन वेव ऑफ करवा सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया आता है कि अगर आपने जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से किया हुआ है। अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया हुआ है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैंने कॉमर्स में ऑलरेडी जो एमबीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स हैं वो पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरा मतलब है बीकॉम, बीबीए, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इनको शो कर सकते हैं कि ये जो एमबीए फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले से ही पढ़ लिए हैं, तो इनको फिर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए एमबीए फाउंडेशन वेव किया जाए। थर्ड क्राइटेरिया आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिग्नेशन का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिग्नेशन मतलब कि आपके पास ऐसा कोई डिजिग्नेशन है जैसे कि CA, CPA, CRA, CHRP एक्सेट्रा, तो आप यूसीडब्ल्यू को बोल सकते हैं कि आप ये जो एमबीए फाउंडेशन वाला जो कोर्स है ऐसी छोटी सी टुच्ची चीज़ के लिए नहीं बने हैं, और आपको एमबीए फाउंडेशन का कोर्स हटा के एमबीए फाउंडेशन डायरेक्ट दिया जाए। फोर्थ और लास्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, वेबसाइट पे ऐसे तो मेंशन है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या तो मैनेजेरियल या फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें वेबसाइट में मेंशन है कि 3 साल का होना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस शो करने पे भी एमबीए फाउंडेशन वेव ऑफ किया गया है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 1 साल से लेकर 3 साल तक का कोई एक्सपीरियंस है या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो मैनेजेरियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अगेंस्ट अपील जरूर कीजिए। एक एडिशनल क्राइटेरिया यह है कि अगर आपका जो केस है वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, और अगर आप ऐसे हैं जिसके पास ना तो जीमैट स्कोर है, ना ही जो CA है, ना ही आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, ना ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसे में क्या करें। अगर आपका आपको फिर भी एमबीए फाउंडेशन वेव ऑफ करवाना है तो आपके पास एक लास्ट चारा बचता है, आप उनको मेल ड्रॉप कीजिए कि आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और आप ये जो 7500 जो एमबीए की फीस है, एमबीए फाउंडेशन की फीस है एक्स्ट्रा जो है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से या फिर वीक बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन आप एमबीए करना चाहते हैं, और उनको ये उसमें दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं,
हैं, निहायत ही गरीब इंसान है और आप एमबीए फाउंडेशन नहीं कर सकते, आप उनको एकदम बोल दीजिए कि हम नहीं कर सकते भाई, तो नहीं कर सकते भैया, नहीं होगा हमसे, तो एमबीए हमको डायरेक्ट दिया जाए। तो भैया आप ऐसा अगर आप अपील करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के चांसेस होते हैं कि उनको एमबीए फाउंडेशन जो होता है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है और उनको डायरेक्ट एमबीए दे दिया जाता है। अभी जो अपने फाउंडेशन वेवर के जो क्राइटेरिया देखे, अगर आपका केस उसमें से एक में भी फॉल करता है तो आपको आगे कैसे बढ़ना है, जो एप्लीकेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, आइए आगे वीडियो में वो जानते हैं। फाउंडेशन के अगेंस्ट अपील करने के लिए आपको चार चीज़ों की जरूरत होती है। पहली होती है आपका अपील फॉर्म। अपील फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत इजी होता है, ऐसे तो मुझे UCW से मिला था जब मैंने अपील फाइल की थी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करना बहुत इजी है। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसको फिल करने में। सेकेंड चीज़ आती है जो कि रिक्वायर्ड होती है अलॉन्ग विद योर अपील फॉर्म, जो कि है आपका रिज्यूमे। रिज्यूमे आपका एकदम अपडेटेड वाला होना चाहिए और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे वेवर मांग रहे हैं तो फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको अपने रिज्यूमे में शो करना होगा। अपील फॉर्म और रिज्यूमे के बाद तीसरी चीज़ आती है आपका अपील लेटर। अपील लेटर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा वर्ड डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट होता है जो कि आपको लिखना होता है, उनको जस्टिफिकेशन देना होता है कि आपका जो एमबीए फाउंडेशन है वो क्यों वेव ऑफ कर देना चाहिए और आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग इनफ है कि आपको एमबीए फाउंडेशन नहीं देना चाहिए और डायरेक्ट एमबीए क्यों देना चाहिए, ये आपको उसमें अपील लेटर में समझाना होगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो इस लिस्ट का आएगा वो आपके क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आप जीमेट के थ्रू अपना वे ऑफ करवा रहे हैं तो आपको जीमेट का जो स्कोर है वो उसमें अटैच करना होगा एज अ फोर्थ डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आप सीए हैं तो आप अपना सीए का जो प्रूफ है वो उसमें अटैच करेंगे, या फिर अगर आप अपना वेवर करवा रहे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के बेसिस पे तो आपको जो मार्कशीट्स हैं या फिर आपको ये शो करना होगा कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना एमबीए फाउंडेशन वेव ऑफ करवा रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अपडेटेड वाला हो या फिर उसमें शो किया गया हो कि आपके पास मैनेजीरियल या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो उस वर्क एक्सपीरियंस को आप एज अ फोर्थ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट रोल आता है, आपको एक मेल ड्राफ्ट करना होता है। मेल के अंदर आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटैच करना होगा। मेल बॉडी के अंदर आप वो सारी चीज़ें लिख दीजिए जो आपने अपने अपील लेटर के अंदर लिखी हुई है, उसको एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट लाइन मेंशन कर दीजिए और एक ये जो दो मेल आईडी आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही है इन पे मेल कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे आती है कि इन सब प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। मेरा जो वेवर का एप्लीकेशन था उसमें 15 दिन लगे थे, 15 दिन में मेरा नया ऑफर लेटर आया था जिसमें कि फाउंडेशन हट गया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 7 से 15 दिन के अंदर आपको अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप एक रिमाइंडर मेल डाल दीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन भेजी है उसका क्या रिप्लाई आना है, आना भी है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।